नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नोवेल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्रिया का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब हम जो है इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको देखेंगे कि हम जो है कितने अभ्यास प्रश्नों को जो है सही कर पा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी ध्यान दीजिएगा, क्रिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हम जो है इसको हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न क्या है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। मैंने आपको बताया था, जब मैं क्रिया पढ़ा रहा था उस समय मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था, क्रिया जो है, पहले तो क्रिया किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। और उसके बाद में क्रिया को बनाने के लिए जो है हमें संस्कृत के जो धातुएं होती हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो धातुओं में हमने प्रत्यय लगा करके जो है शब्दों का निर्माण किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे पठ है, जैसे मैंने आपको बताया था पठ धातु है, इससे जो है क्या बनता है, पठ बनता है। पठ के अंदर ना लगने से जो है ये जैसे पठ धातु है, उसी प्रकार से ना प्रत्यय लगने से क्या बनता है, पढ़ना बनता है। उसी प्रकार से आपके लिख धातु जैसे है, लिख धातु है, लिख के अंदर अगर हम ना प्रत्यय जोड़े, लिख के अंदर कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ना प्रत्यय जोड़ने से जो है लिखना शब्द बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया का निर्माण जो है वो संस्कृत की जो धातुएं होती हैं उनसे ही प्रत्यय लगा करके जो है क्रिया का जो है हम जो है निर्माण कर सकते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ब होगा, धातु कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखिए सभी, जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है, कर्म के आधार पर हम क्रिया की बात कर रहे थे। उस समय हमने देखा था कि जिसमें क्रिया के आधार पर जो है हम कर्म के आधार पर क्रिया की बात कर रहे थे, उस समय हमने देखा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे। कितने थे, दो भेद थे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए थे, दो माने गए हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला तो हमने पढ़ा था अकर्मक क्रिया, कौन सी पढ़ी, अकर्मक क्रिया, नाम से ही स्पष्ट है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर हम क्रिया की बात कर रहे थे। उस समय हमने देखा था अ का मतलब अपने आप आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया अ का होता है अर्थ होता है अभाव या नहीं, यानी जिसके साथ में कर्म नहीं हो, जिसके साथ में कर्म नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। इसके शब्दों के जो ये अकर्मक लिखा हुआ है इसके अंदर ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। अकर्मक का अर्थ होता है जिसके साथ में कर्म मौजूद नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ होता है स का अर्थ है साथ में, किसके साथ में, कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है, यानी कर्म नहीं होता है तो वो क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है ऐसी क्रिया को हम जो है क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, अकर्मक। जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो जो है क्रिया का जो है हम कह सकते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया का अगर प्रभाव जो है या क्रिया का जो फल है वो अगर हम कह सकते हैं कर्ता पर पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसके अंदर कर्म मौजूद नहीं होता है उसे भी हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक की अगर बात करें तो स का मतलब है साथ में, जो कर्म के साथ में क्रिया होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ता है, क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में स नंबर स में क्या दिया हुआ है, प्रेरणार्थक क्रिया। स के अंदर क्या दिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम कह सकते हैं जब कोई कार्य जो है कर्ता स्वयं, ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरणा के माध्यम से करवाए तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया की अगर हम बात करें तो ऐसा वाक्य जिसके अंदर दो क्रियाएं मौजूद हो और दोनों क्रियाओं में हम कह सकते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, और पहले संपन्न होने वाली क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विद्यार्थियों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, इसमें हमारे को उत्तर मिल चुका है कि जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। हमारा उत्तर तो आ गया है। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में कौन सी क्रिया है। अगले हम देखते हैं कि इनमें कौन सी क्रिया है। बेटा पाठ पढ़कर खेलो, प्रश्न क्या, यहाँ पर वाक्य क्या है, बेटा पाठ पढ़कर खेलो। हम बात कर रहे थे, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हमने मोटे तौर पर क्रिया को तीन भागों में बांटा था।
उसने सबसे पहले हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े, सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद में हमने प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के हमने आठ भेदों की बात की। कितने भेदों की बात की है? आठ भेदों की बात की थी। उसमें हमने एक पढ़ा था पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी पढ़ी? पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा था हमने। जब हमने उसमें देखा था कि जो हम कह सकते हैं कि उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है उसे हम पूर्वकालिक। इसमें दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, एक तो इसमें है पढ़ना और एक खेलना। एक है पढ़ना और एक खेलना। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखोगे तो बेटा पाठ पढ़कर खेलो, पहले उसको क्या कहा गया है? पाठ पढ़कर, यानी पहले एक क्रिया संपन्न, दूसरी क्रिया से पहले एक क्रिया और संपन्न होनी होगी पढ़ना। तो पढ़कर के खेलो, यानी जब दो क्रियाएं वाक्य में प्रयुक्त हुई हो, दोनों क्रियाओं में पहले संपन्न होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद में अध्यापक ने छात्रों से चौक मंगवाई। यहाँ पर जो है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करवाए तो उसे जो हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य के अंदर जो है राम किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। अगर हमारा उत्तर अगर मिल जाए, हम क्या से प्रश्न करें राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो उसके अंदर सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पुस्तक जो है ये वाक्य का क्या है? कर्म है। तो ऐसी स्थिति में इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। सकर्मक क्रिया हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद में चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया कहाँ पर उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। अब आप जो है इसमें एक आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको कारक के सारे चिन्ह याद होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अधिकरण में पर पे, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया है? में आया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाक्य के अंदर उड़ना जो है, जो उड़ना है यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी विद्यार्थियों? अकर्मक होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं। और ये जो है आकाश में शब्द आया है, ये यहाँ पर अधिकरण कारक है, यहाँ पर ये कर्म नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये अधिकरण कारक आया है यहाँ पर। इसलिए जो है हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब हम जो है अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चौथा प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं। अभ्यास प्रश्नों के अंदर हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी जो है ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चौथा प्रश्न क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? हम बात कर चुके हैं, फिर भी जो है आपके अगर प्रश्न आ जाए क्रिया किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, एक बार हम इनको पुनः देखते हैं, आपका दोहरान कार्य हो जाएगा। क्रिया किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं, एवं इसके कितने भेद होते हैं, कितने भेद हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान होगा कि हम जो हैं क्रिया के भेदों को पढ़ रहे थे, लेकिन सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आप सभी जान चुके थे, जैसे पढ़ में ना जोड़ने से पढ़ना, लिख में ना जोड़ने से लिखना, इस प्रकार से हमने क्रियाओं का निर्माण किया था। और उसके बाद में इसके कितने भेद होते हैं, इसके आपको पता ही होगा। मोटे तौर पर क्रिया को तीन भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की बात की, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्या पढ़ा? सकर्मक। और दूसरी कौन सी थी? पहला तो हमने किसके आधार पर पढ़ा था? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद थे? कर्म के आधार पर अगर हम बात करें क्रिया के भेदों की, तो उसमें भेद जो है हम कितने पढ़ रहे थे? दो पढ़ रहे थे। लेकिन मोटे तौर पर क्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर एक सकर्मक है जिसके साथ में कर्म होता है, और क्रिया का फल अगर कर्ता हम कह सकते हैं कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा आपके जो है इसमें हमने क्या पढ़ा? अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म मौजूद नहीं रहता है और क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में हमने दो नंबर पर बात की थी प्रयोग या संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग या संरचना के आधार पर। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के आठ भेद माने गए हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर
क्रिया के जो भेद हैं वो कितने माने गए हैं विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा क्रिया के जो भेद हैं वो हमने 8 पढ़ लिए हैं और 8 वेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ी? सामान्य क्रिया पढ़ी। उसके बाद में कौन सी पढ़ी थी हमने? संयुक्त क्रिया। इसकी जो 8 वेद माने गए हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और उसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया विद्यार्थियों? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और इस प्रकार से जो है आपके सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद में 4 नंबर पे जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। 8 भेद माने गए हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने भेद माने गए हैं? 8 माने गए हैं। नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। और उसके बाद में जो 6 नंबर पे हैं वो हैं कृदंत क्रिया। कौन सी है? कृदंत क्रिया। उसके बाद में हमने 7 नंबर पर पढ़ा था सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। ये हम सब बात कर चुके हैं, हम पुनः दोहरान कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नों के तहत। अब उसके बाद में अंतिम जो 8वां भेद है वो है सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया है विद्यार्थियों? सजातीय क्रिया। यानी क्रिया के जो भेद हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर 8 प्रकार से बांटा गया है। सामान्य क्रिया जिसके अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है विद्यार्थियों, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य के अंदर दो अलग अलग भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया के अंदर दो क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं, उनमें से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को जो है हम दूसरी क्रिया से पहले एक जो क्रिया संपन्न होती है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर हमने यह पढ़ा था, प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसके अंदर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, ऐसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया जो होती है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से निर्मित होती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं का निर्माण क्रियाओं के साथ में प्रत्यय लगने से होता है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। और उसके बाद में सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है उसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सहायक क्रिया कहते हैं। अंतिम 8 नंबर का जो भेद है सजातीय क्रिया, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि क्रिया और कर्म दोनों ही एक ही धातु से जिसका निर्माण होता है उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें लड़ाई शब्द भी जो है ये भी एक ही धातु से निर्माण हुआ है। लड़ाई और लड़ना दोनों एक धातु से निर्मित होने के कारण हम इसको कह सकते हैं सजातीय क्रिया। इसके बाद में अंतिम जो तीसरा हमारा जो भेद था, कर विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, काल के अनुसार। किसके अनुसार? काल के अनुसार जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के अनुसार क्रिया के जो भेद हैं वो आपके 3 माने गए हैं। कितने माने गए हैं विद्यार्थियों? काल के अनुसार क्रिया के भेद। काल का मतलब ही समय होता है। क्या होता है? समय होता है। काल के अनुसार, काल के अनुसार क्रिया के भेद, काल के अनुसार क्रिया के भेद कितने होते हैं? आप सबको पता होगा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। काल का मतलब होता है समय। समय के अनुसार जो क्रिया के भेद हैं वो 3 माने गए हैं। आपको पता है काल 3 है, कौन कौन से हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके जो हैं क्रिया के नाम बने हैं। पहला भूतकालिक क्रिया। कौन सी है? भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। और दूसरी जो है इसमें हम पढ़ेंगे जो है यहाँ पर वर्तमानकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? वर्तमानकालिक क्रिया। और उसके बाद में अंतिम में जो तीसरी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे भविष्यतकालिक क्रिया। भविष्यतकालिक क्रिया, भविष्यतकालिक क्रिया। इसमें ध्यान दीजिए भूतकालिक क्रिया क्या होती है? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया जो है वो हम कह सकते हैं बीते समय में संपन्न होने का, जहाँ पर भी, या हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल
भूतकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ, भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। भूत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। यानी कहने का अर्थ यह है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया जो है बीते समय में संपन्न हुई हो उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमानकालिक क्रिया क्या होती है? वर्तमानकालिक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें हम कह सकते हैं अभी जो चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमानकालिक क्रिया है। भविष्यकालिक क्रिया का मतलब होता है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिया के जो अभ्यास प्रश्न हैं इसके तहत हमने बहुत सारी विस्तार से चर्चा की है, और अभी जो है आज का जो ये अभ्यास प्रश्न है यहीं पर समाप्त होते हैं।